सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सैमसंग की तरफ से अपकमिंग सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 लाइट, क्या कुछ यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस आपको देखने को मिलेंगे और क्या कुछ दोस्तों आपको अपग्रेड देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन सैमसंग टैब S6 लाइट। तो बने रहिए दोस्तों मेरे इस वीडियो में आखिरी तक, एंड आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो जरूर मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके जाइए। बाय द वे दोस्तों, कुछ बजट टैबलेट्स की लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, अब वहां पे जाके जो है इन्हें जरूर चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा अपडेट दोस्तों यहाँ पे निकल कर आ रहा है कि S7 Lite में आपको Snapdragon 750G देखने को मिलेगा। By the way दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि Snapdragon 750G वन ऑफ दी अर्लीस्ट प्रोसेसर था 700 सीरीज में Snapdragon की तरफ से, जो कि 5G सपोर्ट करता था, और वैसा ही कुछ यहां पे आपको देखने को मिलने वाला है। इस टैबलेट के आपको तीन वेरिएंट देखने को मिलने वाले हैं, वाईफाई वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा, 4G वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा और 5G वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएगा। जहां तक मुझे लगता है दोस्तों, 5G वाला वेरिएंट इंडिया में अभी लॉन्च नहीं होगा और कुछ उतना ज्यादा सेंस भी नहीं बनता है, बिकॉज 5G वाला जो एटमॉस्फेयर है, जो हार्डवेयर है, अभी तक जो है उतना मेन स्ट्रीम में इंडिया में नहीं आया हुआ है। इट इज स्टिल एट द टेस्टिंग फेज। तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को जो है वाईफाई और 4G LTE का जो है यहाँ पे वेरिएंट देखने को मिलेगा। नाउ बात करते हैं स्क्रीन साइज की, तो दोस्तों यहाँ पे रूमर्स हैं कि 12.4 इंच का आपको जो है स्क्रीन साइज देखने को मिलता है, जो कि मुझे लगता है दोस्तों काफी ज्यादा सही है एज कंपेयर टू 10.4 इंच जो कि आपको सैमसंग टैब S6 लाइट में देखने को मिलता है। नाउ कुछ जरूरी चीजें आप लोगों को यहाँ पे जानना जरूरी है दोस्तों, कि अभी भी रैम अगर आप देखें यहाँ पे, तो आपको जो दोस्तों रैम यहाँ पे दिखेगी अराउंड 4GB आपको यहाँ पे रैम देखने को मिलेगी। सो ये जो अभी दोस्तों लीक्स हैं, होप कि 4GB रैम के साथ इसका जो है 6GB रैम वाला वेरियंट भी आ जाए, वो जो है काफी ज्यादा मैं कहूंगा सही रहेगा। स्टोरेज की बात करें तो दोस्तों अभी भी स्पेकुलेशन है कि प्रीवियस जनरेशन की तरह इस बार भी जो है 64GB वाला ही वेरियंट देखने को मिलेगा। नाउ डेफिनेटली देखना ये होगा दोस्तों यहाँ पर कि एक्सपेंडेबल कैसी रहती है। एक और चीज जो कि आपको S7 या फिर S6 Lite वाली जो सीरीज रहती है ना दोस्तों, इनके साथ देखने को मिलती है, वो है पेन टच सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, आप जो है इसके अंदर स्टाइलस यूज कर सकते हैं और ऐसा नहीं है कि स्टाइलस अलग से खरीदना पड़ता है, स्टाइलस आपको जो है इन बॉक्स ही देखने को मिलता है। तो यही जो है दोस्तों इनको इनके बजट काउंटर पार्ट जो कि सैमसंग टैब A सीरीज आते हैं उनसे डिफरेंट बनाता है, कि यहाँ पे आपको रैम प्रोसेसर थोड़ी यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जो है यहाँ पे पेन टच का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, एंड्रॉइड 11 का यहाँ पे आप जो है सपोर्ट देख पाएंगे। उसके बाद बात करें दोस्तों यहाँ पे कुछ और चीजों की, तो यहाँ पे दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी कंटिन्यूटी फीचर आपको देखने को मिलेगा। बाय द वे दोस्तों, इस फीचर में सिंपल सी बात यह है कि आप जो है इस टैबलेट को एज ए सेकेंडरी डिस्प्ले यूज कर पाएंगे, आपका जो प्राइमरी वहां पे डिस्प्ले होगा वो सैमसंग गैलेक्सी फोन होना चाहिए। तो मींस इसके लिए आपके पास सैमसंग का ही प्रोडक्ट होना चाहिए, तभी जो है आप इसको अच्छा से यूज कर पाएंगे। नाउ अगर यहाँ पे लीक्ड स्क्रीनशॉट देखें तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2.21 गीगाहर्ट्ज़ पता चल जाएगी, लेकिन ये चीज मेन नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि एड्रीनो 619 का सपोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, एट प्रेजेंट अगर हम देखें दोस्तों, तो सैमसंग S6 लाइट वाला जो वाईफाई वाला वेरिएंट है दैट इज अवेलेबल समवेयर एट 25,000 रुपीस। ये तो मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हूं, लेकिन 25,000 रुपीस का दोस्तों देखने को मिलता है कुछ क्रेडिट डेबिट कार्ड्स अगर आप लगा दें तो। वैसे ही आपको S7 Lite अगर स्क्रीन फॉर्म फैक्टर दोस्तों वाकई में 12.4 इंच का आता है, तो मैं कहूंगा फ्रेंड्स इसकी कीमत समवेयर अराउंड 32,000 रुपीस तक जो है बिल्कुल शूट यहां पे आपको देखने को मिल जाएगी। एक अच्छी चीज दोस्तों मुझे इस टैबलेट में ये लगी कि आपको यहाँ पे जो है मॉडर्न फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि दोस्तों नैरो बेजल्स हुआ, इस बार जो है आपको मोस्ट प्रोबेबली टाइप सी पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ऑडियो जैक रहेगा या नहीं रहेगा दोस्तों, इस बात की मैं अभी तक मींस क्वेश्चनेबल है, इट्स स्टिल ए वेरी क्वेश्चनेबल। हो सकता है कि इस S7 Lite को जो है सैमसंग जो इनके बड़े S7 वाली जो चैसिस है दोस्तों, उनके जो प्रीमियम एंड टैबलेट्स हैं उनके चैसिस में अगर फिट करके लाना चाहती है, सो मोस्ट प्रोबेबली आपको जो है यहाँ पे ऑडियो जैक देखने को नहीं मिलेगा। नाउ वाईफाई वेरिएंट तो आपको अराउंड 32,000 रुपीस का देखने को मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों आपको साथ में अगर LTE वाला वेरियंट लेते हैं सो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट समवेयर अराउंड जो है 38,000 टू 40,000 रुपीस तक बंप हो सकती है। नाउ दैट इज वेरी बैड थिंग When it comes to India, because India में दोस्तों 35,000 से 40,000 का अगर ज्यादातर लोग प्रिफर करते हैं कि एक जो है एक बजट लैपटॉप ही ले लिया जाए। आपका क्या मानना है दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए। थैंक यू, हैव अ नाइस।